हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जींद में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए जिले के बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज लघु विचालय में सैकड़ों बुजुर्ग महिला व पुरुष पेंशन बनवाने पहुँचे। ये वे बुजुर्ग है जिनके पास उम्र का कोई सबूत नहीं, अब इनकी पेंशन मेडिकल के आधार पर बनेगी। मेडिकल करवाने के लिए आए बुजुर्गों यहां धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। वही बुजुर्गों ने विभाग की टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर कभी कहा जाता है कागज पूरे नहीं, कभी कहते हैं उम्र नहीं हुई। बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो पेंशन के फार्म कई बार भर चुकी है, लेकिन वो दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गई है। पेंशन नहीं, लेकिन पेंशन नहीं बनती। कभी कागज न पूरे होने का हवाला दिया जाता है तो कभी कंप्यूटर में रिकॉर्ड न होने का हवाला दिया जाता है। बता दें कि हर महीने जिला सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों की उम्र सत्यापन के लिए मेडिकल होता है। पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को लगाया लंबी लंबी लाइनों में, जिसको लेकर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का आलम फैला हुआ था। बीमार बुजुर्ग लाठी के सहारे तो कभी बैठ कर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ तो सरकार बुजुर्गों को बैंक द्वारा घर जाकर पेंशन पहुंचाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ पेंशन बनवाने के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। यहाँ क्या होता है, कैसे डॉक्टर का क्या होता? डॉक्टर यहाँ अपने फॉर्म जमा करवा के उनको डॉक्टर नंबर लगाएगा जी यहाँ, फिर अगर डॉक्टर के जाएंगे मेडिकल के लिए, फिर डॉक्टर मेडिकल देगा मैं, फिर पेंशन बनेगी। बस कितनी भीड़ लगेगी? भीड़ तो ज्यादा नहीं है जी, भीड़ तो ज्यादा नहीं है, बगैर पुलिस वाले के बगैर ये बस। तो बुजुर्गों को धक्के भी मारे जा रहे हैं? हाँ, धक्के मारे जा रहे हैं। बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं जी, कभी यहाँ बुला लेते हैं, कभी वहाँ बुला लेते हैं, इधर उधर भगाते रहे हैं। तो फिलहाल की बात की जाए तो पानी की व्यवस्था की गई है? नहीं, पानी की व्यवस्था, कोई पानी व्यवस्था नहीं। कितने बुजुर्ग, कितने पेंशन बनकर कितने आए हुए? देखो जी, ये आज दो दो ब्लॉक आ गए मेरे ख्याल में जी, जींद के रोले गए मेरे ख्याल में। तो व्यवस्था होनी चाहिए पानी की? कोई व्यवस्था नहीं, पानी की सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है जी, सिक्योरिटी बार परेशान है, नहीं वैसे ठीक है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, नाम बदन सिंह। किस लिए आए हो आज? पेंशन बनवाने खातिर। तो ये जो लाइन लगी है किस वास्ते लग रही है? ये पेंशन के लिए है जी। नहीं, यहाँ क्या होता है? यहाँ तो ये नंबर लगाएंगे, डॉक्टर उम्र बता देगा। उम्र बताने के लिए लाइन लग जाए? उम्र लिख दिया भाई, असली है नकली? तो उम्र का क्या प्रूफ होता है? आपके पास है नहीं कोई प्रूफ? प्रूफ तो उम्र पर, उम्र कम है, बाकी उम्र हो रही है पूरी। तो फिर कैसे लिखते हैं डॉक्टर? डॉक्टर देख के लिखा भाई, ठीक उम्र है कि ना है। तो धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे? यहाँ तो अभी तो धक्के मुक्की है। तो बुजुर्गों को धक्के मारे जा रहे हैं? हाँ, हैं धक्के लाए नहीं और केस में। तो पानी पीने की बात की जाए, बैठने की बात की जाए, कोई व्यवस्था है यहाँ? नहीं, ये बैठे पार्क में मेरे ड्यूटी है। पानी नहीं। कितने गांव से आए लोग? मैं संडील से। क्या नाम है आपका? निगैया राम। खबर तहलका के लिए जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट। हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तहलका यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें।